हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बेसिक रेसिपी लेकर आई हूँ पूरी की। पूरी बनाने सबको आता है, लेकिन नए जनरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरी बनाना सीखना चाहते हैं। तो आज मैं पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। पूरी बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। चलिए हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हम एक ट्रे में आटा डालेंगे। एक कटोरी आटा यहाँ पे हम ले रहे हैं। आटा को हमने पहले ही छान के रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम यहाँ पे आधा चम्मच ले रहे हैं और आटे को हम थोड़ा सा ऐसे बीच में जगह बना के एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे पूरी जो है बहुत ही खासा तैयार होती है। हमने तेल को आटे के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा को हमने मसल मसल के एक बढ़िया सा डो तैयार किया है। न ज़्यादा कड़क है, न ज़्यादा नरम है। अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। तो हम आटा का लोई तोड़ेंगे। आटा को ऐसे लेना है और ऐसे एक रोल बना के एक साइड की लोई काट लेनी है। आपको जितनी बड़ी पूरी बनानी है उतने बड़े बड़े पेंडे तोड़ लीजिए। सबसे पहले लोई को ऐसे मसलना है। तो हम यहाँ पे 5 से 6 पूड़ियाँ आपको बना के दिखाएंगे। हमने आटे की लोई तैयार कर ली है पूरी के लिए। अब हम एक लोई लेंगे और चकले पे ऐसे अंगुलियों से प्रेस करके बेलन की मदद से हम इसे गोल बेलेंगे। पूरी बनाने तो सबको आता ही है, पर मैं अपना स्टाइल दिखा दे रही हूँ। तो हम इसी साइज की पतली पतली पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। दूसरी लोई लेंगे और इसे हम ऐसे घुमाते हुए बेल लेंगे। हमने 6 से 8 पूड़ियाँ बेल लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। गैस को ऑन कर लेंगे। सबसे पहले हम तेल को चेक करेंगे। तो एक छोटा सा आटा का टुकड़ा लेके हम तेल में डालेंगे। आप देख सकते हैं अपनी तेल जो है पूरी के लिए गर्म हो चुकी है। हमने ये टुकड़ा डाला तो ये तैर के ऊपर आ गया। हमें अच्छी खासी तेल गरम चाहिए पूरी के लिए। अब हम इसमें एक एक पूरी को लेंगे और बड़ी ही सावधानी के साथ धीरे से छोड़ देंगे। तो आप देखिए कैसे अपनी पूरी खिल के आ रही है। पूरी डालते ही अपनी पूरी तैर के तेल के ऊपर आ गई। अब हम इसे उलट के दूसरे साइड से सेंक लेंगे। कितना बढ़िया कलर आया है अपनी पूरी का। पूरी सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आप पूरी फ्राई कीजिए तो गैस का फ्लेम तेज होना चाहिए, यानी कि तेल एकदम गर्म होनी चाहिए, तभी पूरियाँ ऐसे खिली खिली होती हैं। तो हम चम्मच की मदद से इसे टेढ़ा करके एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी पूरी को धीरे से छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आपने पूरी फूल रही है। बहुतों की शिकायत होती है कि मेरे से पूरियां फूलती नहीं है।
पूरी बनकर तैयार है। आपने देख लिया कितनी आसानी से फुली फुली पूड़ियां तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आज की अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।